इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्यारा सा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जो कि फ्रंट साइड में ओपन है और हाफ कॉलर भी है। बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही पहनने से भी अच्छा लगता है। तो इस कुर्ती को बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे इस फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक से जो है पहले हमें दो पार्ट अलग अलग निकालना है, यानी कि फ्रंट पार्ट अलग निकालना है और बैक पार्ट अलग निकालना है। तो पहले बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को जो है वो डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड वाला साइड जो है अपने तरफ रखना है और ओपन वाला साइड जो है वो दूसरे तरफ रखना है। ये जो है बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट को बाद में निकालेंगे। तो अपने हिप के साइज के हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिएगा और 2 इंची जो है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। अब लंबाई रखना है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल लेंथ रखूँगी। इनके बाद यहाँ पे शोल्डर लूँगी 7 इंच। यहीं से आर्म होल लेना है 7 इंच। इनके बाद जो है लाइनअप कर लेना है। अब यहाँ से नीचे की ओर हमें 7 इंच पे एक मार्किंग करना है और एक मार्किंग जो है वो 14 इंच पे करना है। ये जो है हिप का मार्किंग है। हिप में आप 13-14 इंच तक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा चौड़ा चाक पहनते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं, कम पहनते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। चेस्ट का साइज लेना है, जो भी साइज है उसका फोर्थ पार्ट निकालना है। जैसे कि मेरा है यहाँ पे 34 का फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पे 8.5। कमर में भी इसी हिसाब से हमें फोर्थ पार्ट निकालना है। मेरा है 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 और हिप है मेरा 36। तो इसी हिसाब से सभी मार्किंग को जो है मिला लेंगे। इनके बाद यहाँ पे हिप में जितना भी हम लोग का मेजरमेंट है सेम हमें यहाँ पे दामन में करना है और यहाँ पे भी लाइन अप कर लेना है। देखिए दामन में कुछ चेंज नहीं करना है, जितना हिप में होगा उसी हिसाब से हमें दामन में भी कर लेना है। 2 इंची करके ले लेंगे लूजिंग। इन सभी लाइन अप कर लेंगे सभी मार्किंग को। इनके बाद यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर लेना है। शोल्डर लेना है, बैक पार्ट है तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और शोल्डर आर्म होल का यहाँ पे शेप को दे देना है। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसको कट करेंगे। इनके बाद फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट को भी डबल फोल्ड करेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि इसमें ओपन वाला साइड जो है वो अपने तरफ को रखना है दोनों पार्ट को मिलाते हुए, और 1/2 इंची का मार्किंग को कर लेना है। 1/2 इंची का मार्किंग को करने के बाद जो है हमें बैक पार्ट को रखना है। जहाँ तक 1/2 इंची का मार्किंग किए हैं इनके बाद हमें बैक पार्ट को रखना है और एज इट इज़ कटिंग को कर लेनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों ही हो गया है। देखिए फ्रंट में जो है अब 1/2 इंच अंदर करते हुए शोल्डर को हमें मार्किंग करना है, कट कर लेंगे। जो कि फ्रंट का आर्म होल जो है वो 1/2 इंच ज़्यादा कट होता है बैक के हिसाब से, और ये जो है बैक है। तो बैक में यहाँ पे नेक देंगे। नेक यहाँ पे 1/2 इंची पे इस तरह से राउंड शेप करना है। देखिए 1/2 इंची पे करना है इस तरह से राउंड शेप को। इनके बाद जो है कट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में जो है हमें फिर यहाँ पे मार्किंग करना है। तो 1/2 इंची जो किए हैं इनके बाद हमें 3 इंच पे मार्क करना है। 1/2 इंची को छोड़ते हुए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई भी और लंबाई भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से राउंड शेप को देंगे और कट कर लेंगे। फ्रंट नेक कट करके देखिए, दिखा देती हूँ कि ये फ्रंट साइड में ओपन रहेगा। इनके बाद जो है हमें स्लीव्स निकालना है। स्लीव्स के लिए फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को साथ में ही निकालना है, इसके लिए फोर फोल्ड करना है। अब जो है यहाँ पे स्लीव्स का लेंथ लेना है। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच रखूँगी और 1 इंच जो है इसमें एक्स्ट्रा लूँगी फोल्डिंग के लिए।
यानी कि टोटल जो है वो 11 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स का जो है आर्मोल का मार्किंग करना है, तो जैसे सूट में किए हैं इसी हिसाब से इसमें भी लेना है। 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पे स्लीव का शेप को दे देना है। यहाँ पे हमें मोहरी लेना है, मोहरी जैसे कि मेरा है यहाँ पे 9 इंच, तो 9 का हाफ होगा यहाँ पे 4.5 इंच, और 2 इंची जो है मार्जिन के लिए ले लेंगे। इनके बाद जो है लाइन अप कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से स्लीव्स को बना लेना है, मिडिल में कट लगाना है। 2 स्लीव्स बना है, फ्रंट साइड के तरफ 1/2 इंची को कट करते हुए इस तरह से 1/2 इंची ज़्यादा कट कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे, ताकि सिलते वक्त याद रहेगा कि ये जो है फ्रंट साइड के तरफ है हमें अटैच करना है। इनके बाद अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें एक स्ट्रिप लेना है। इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे ऊपर में, एक फ्रंट पार्ट का सीधी तरफ को स्ट्रिप को रखेंगे और दूसरा पार्ट का उल्टा तरफ को स्ट्रिप को रखेंगे इस तरह से। इनके बाद जो है किनारी में सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद इसको जो है हमें दूसरा तरफ को पलटना है। देखिए इस तरह से पलटेंगे, इनके बाद जो है इसको फिर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ को पलटा के सिलाई को लगाएंगे। इनके बाद फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो है फिर जो है सिलाई को लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, अगर आपका सिलाई ज़्यादा पता चलता है तो फ्रंट साइड के तरफ, तो हैंड स्टिच भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है हमें दूसरे पार्ट में भी लगाना है। अब दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से हमें स्ट्रिप को लगाना है। बस फ़र्क जो है इसमें इतना होगा कि जो पहले वाला पार्ट में सिलाई को लगाए हैं तो स्ट्रिप को पूरा अंदर कर दिए थे और इसको जो है हमें बाहर रखना है। देखिए इस तरह से एक सिलाई को लगा लेंगे। इनके बाद जो है एक फोल्ड करेंगे और जस्ट सिलाई के ऊपर में हमें दूसरा फोल्ड रखना है, यानी कि 1 इंची का करीब जो है हमें स्ट्रिप को बाहर की तरफ रखना है। इनके बाद इसमें सिलाई को लगाना है। तो इसी तरह से जो है दोनों पार्ट को हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये जो है 1 इंची का करीब हमारा पट्टी निकला हुआ है स्ट्रिप, और ये जो है पूरा ही अंदर है, तो निकला हुआ को अंदर करेंगे और जो पूरा अंदर है इसको ऊपर में रखेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से ऊपर में रखेंगे, अच्छा से इसको सेट कर लेना है। इनके बाद जो है हमें इसमें सिलाई को लगाना है, तो ऊपर को ऊपर की तरफ 7 इंच को छोड़ के हमें सिलाई को लगाना है और नीचे की तरफ जो है वो करीब 11 इंच को छोड़ के हमें सिलाई को लगाना है। देखिए यहाँ से लेकर अंदर तक हमें पूरे में जो है सिलाई को लगा लेना है। मैं यहाँ पे पिन लगा ले रही हूँ। इस तरह से पिन को मैं लगा ले रही हूँ। इनके बाद जो है इतना को ओपन रखना है और अब जो है इसमें बैक पार्ट को हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। बैक पार्ट को इसके ऊपर में रखेंगे इस तरह से एंड शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इनसे पहले यहाँ पे पिन जो लगाए हैं, पिन में हमें पिन को हटाते हुए पहले सिलाई को लगा लेना है। अब जो है यहाँ पे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है।
देखिए यहाँ पे बटन को भी लगा चुकी हूँ, शोल्डर भी जॉइंट हो गया है और स्लीव्स को भी इसमें अटैच करना है इस तरह से मिडिल से पकड़ते हुए। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स को भी लगा चुकी हूँ। इनके बाद जो है अभी हमें फिटिंग की सिलाई को लगाना है। तो फिटिंग की सिलाई जो है वो स्लीव से लेते हुए हमें हिप तक लगाना है। दोनों तरफ को इसी तरह से हिप में सिलाई को लगा लेंगे। इनके बाद जो है यहाँ पे हमें स्लेट्स को बनाना है। तो जैसे नॉर्मल कुर्ती में हम स्लेट्स बनाते हैं, इसी हिसाब से इसमें भी बनाना है। देखिए पहले एक फोल्ड करेंगे, इनके बाद दूसरा फोल्ड करके हमें स्लेट्स में सिलाई को लगाना है। ऊपर तक हिप तक आने के बाद सुई को अंदर डालेंगे। इनके बाद इसको घुमाना है और फिर दूसरे तरफ का स्लेट्स को फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर जो है इसमें हमें सिलाई को लगाना है। नीचे में भी दामन में भी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके जो है नीचे के तरफ में भी सिलाई को लगाएंगे। दोनों तरफ का हमें स्लेट्स को बना लेना है इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई भी लग गया है और स्लेट्स भी बन गया है। इनके बाद जो है हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर को इस तरह से 1 इंच जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको बाहर को निकालते हुए हमें इसको मेजरमेंट करना है। देखिए इस तरह से जो 1 इंच हम लोग का एक्स्ट्रा है इसको बाहर की तरफ को रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे मिडिल से। इनके बाद जो है इसमें हमें मेजरमेंट करना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और सही सही जो है वो मेजरमेंट लेना है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे होता है टोटल 9 इंच, तो 9 इंच होता है। बकरम लेंगे, बकरम को डबल फोल्ड करेंगे। इनके बाद जो है यहाँ पे बकरम को डबल फोल्ड करने के बाद 9 इंची जो है वो मेरा कॉलर है और 1 इंची जो है वो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो इसको जो है ऐड कर लेंगे तो सारे 9 इंची होगा, यानी कि 1 इंची जो एक्स्ट्रा है उसका हाफ होगा, हाफ इंची। तो 9 को हाफ में लेंगे तो सारे 9 इंची होगा। तो सारे 9 इंची में इस तरह से पहले बकरम को फोल्ड करेंगे, 3 इंची इधर से करेंगे, ऊपर से 3 इंची करेंगे और इस तरह से जो है हमें शेप को देना है। देखिए इस तरह से, और बकरम की फोल्डिंग जो है और सारे 9 इंची है। इसी तरह से हमें गोलाई में जिस हिसाब से मार्किंग को किए हैं, मार्किंग के हिसाब से हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो सारे 9 इंची पे इस तरह से होगा। इनके बाद ऊपर के तरफ में जिस हिसाब से कॉलर की चौड़ाई को रखेंगे इसी हिसाब से आपको लेना है। इनके बाद जो है इस तरह से शेप को देना है, कॉलर का शेप को। इनके बाद जो है इसको कट करेंगे। इस तरह से कॉलर का शेप को देंगे। तो देखिए बकरम से मेरा कॉलर का शेप जो है इस तरह से आएगा। बकरम को चिपका लेना है और नीचे की तरफ में फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है हमें सिलाई को लगाना है। इनके बाद इसी तरह का हमें दूसरा फैब्रिक को लेना है और बकरम वाला फैब्रिक को इसके ऊपर में रखना है एंड इसमें भी हमें सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से बकरम के नीचे से हमें इसमें सिलाई को लगाना है, बकरम के ऊपर में सिलाई को नहीं लगाना है। अब जो है एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे हाफ इंची का फैब्रिक को छोड़ते हुए। इनके बाद जो है छोटा छोटा कट्स को लगाएंगे और इसको जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है ताकि सिलाई करते वक्त हमें यहाँ पे ध्यान रहेगा कि हमें सिलाई इसी मार्किंग के ऊपर में लगाना है। अब जो है हमें यहाँ पे जो है सूट का मिड पॉइंट निकालना है बैक के तरफ में और यहाँ पे कॉलर का भी हमें मिड पॉइंट निकालना है और मिड पॉइंट में ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। एक तरफ से लगा लिए हैं, इनके बाद जो है दूसरे तरफ से भी हमें इसी तरह से सिलाई को लगाना है। देखिए मार्किंग जिस हिसाब से किए हैं इसी मार्किंग के ऊपर में हमें सिलाई को लगाना है।
तो देखिए सिलाई को लगा लिए हैं। इनके बाद जो है बकरम को हम दूसरी तरफ को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दूसरी तरफ को फोल्ड करेंगे एंड देन इसमें जो है हमें सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से सिलाई वाला फैब्रिक को अंदर के तरफ को करेंगे और सिलाई को लगाएंगे इसके ऊपर में। इनके बाद कॉलर में भी डबल सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा कुर्ती कंप्लीट है और कितना प्यारा लुक आया है, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पा सकें।